हमीरपुर में दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन की नव गठित कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर कार्यकारिणी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और हमीरपुर में बस अड्डे के पास नालियों पर बने फुटपाथ की समस्या को उठाने पर सहमति बनी। साथ ही बस अड्डे के पास सड़क मार्ग पास करने में दिक्कतें आने पर वहां पर फ्लाईओवर बनाने के लिए भी प्रस्ताव पारित कर विभाग को जल्द भेजने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को मनाने के लिए भी कमेटियों का गठन किया गया, ताकि उपभोक्ता दिवस को धूमधाम से मनाया जा सके। संरक्षण संगठन की आज बैठक हुई। बैठक में कई प्रकार के जो मुद्दे थे वो उठाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से मुद्दा था कि हमीरपुर में जो है वो जो राज्य मार्ग है, राजमार्ग है जो बीचों बीच गुजरता है, राज्य राजमार्ग, उसके ऊपर जो बस स्टैंड के पास नाली है और जो फुटपाथ बना है उसकी मरम्मत और सफाई के बारे में विशेष जो है हम लोग मुद्दा उठाएंगे। इसके साथ ही हम लोग जो है वो पीडब्ल्यूडी हमीरपुर से इस बारे में बात करेंगे कि वहां से जैसे लोगों को रोड क्रॉस करने में मुश्किल आती है बस स्टैंड के पास, तो उसके लिए फ्लाईओवर का प्रावधान किया जाए, इस तरह से हम लोग ये मांग उठाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने कमेटियों का गठन किया है। यहाँ पे दो प्रमुख रूप से कमेटियां हैं, जिन कमेटियों में पहली कमेटी है वो मेरी अध्यक्षता में गठित की है, जिसमें पंकज भारतीय जी हैं, अरविंदर सिंह जी हैं, अपने जसवीर जी हैं और रणवीर ठाकुर जी हैं। तो इसमें गठन किया गया है इस कमेटी के द्वारा जो है वो लोक निर्माण विभाग और आईपीएच विभाग से जो है जो भी संबंधित मुद्दे होंगे इनको उठाया जाएगा, उनकी लोगों की समस्याओं का निवारण के लिए ये कमेटी गठित की गई है। इसके साथ ही दूसरी कमेटी गठित की गई है स्वास्थ्य विभाग के लिए, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए, तो उसमें भी लोगों की जो समस्याएं होंगी उसके गठन के लिए जो है वो श्री ज्ञानचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसमें कि काफी लोगों को लिया गया है हमारे संगठन के जो लोग हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्रमुख रूप से मुद्दा उठाया गया है कि 24 दिसंबर को जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है उसको कहाँ मनाया जाए, कैसे मनाया जाए, उसके लिए भी हमने श्री एस के कौड़ा जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को हमीरपुर में मनाने संबंधी जो है वो रूपरेखा तैयार की गई है। इस अवसर पर पीएन शर्मा, मनोहर लाल कानगो, पंकज भारती, मनसुख पठानिया, अरविंद सिंह, डीसी शर्मा, युद्धवीर सिंह, प्रकाश सेन, कौड़ा अनिरुद्ध शर्मा, प्रेस सचिव जसवीर कुमार इत्यादि मौजूद रहे।